खबर भोपाल से है। रविवार की सुबह ठंड के साथ प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ राठौड़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए राठौड़ समाज के पत्रकार साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक और राठौड़ समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी ने कार्यक्रम में चार चांद लगाते हुए, आपको बता दें आरजेए को राठौड़ समाज में नई दिशा और दशा प्रदान करने वाला संगठन बताया। समाज के पत्रकारों को मजबूत सशक्त बनाने और उनके हितों की रक्षा करने के साथ राठौड़ समाज की भूमिका को देश हित में योगदान देने और राठौड़ समाज का कल्याण करने के उद्देश्य के साथ राठौड़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती और वीर शिरोमणि दुर्गादास जी राठौड़ की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद राठौड़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य बताया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों और प्रकोष्ठ प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र दुपट्टा देकर सम्मानित किया। उस हिसाब से समाज को नई दिशा देने में काम करे, हमें पूरी उम्मीद है कि यह संगठन बहुत सफल होगा। मैं एक मिनट का टाइम दिया गया है, मगर मनीष जी ने राजगढ़ से जो जीरापुर निवासी हैं, मैंने इनका काम देखा है, मैं वहाँ गया हूँ। इस बच्चे ने लाखों रुपया नेताओं से लेकर के और धर्मशाला का निर्माण जीरापुर में कर दिया है। मैं यही चाहूंगा कि ये संगठन जरूर नकेल डाले, और इससे जब नकेल डालेगा तो आलोचना से सत्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए आलोचना जरूर करे। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा भाई मनोज जी से कि टांग पकड़ के खींचने की बजाय हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दे तो समाज बहुत आगे जाएगा। और जैसे धर्मेंद्र भाई, इसके जो पदाधिकारी हैं, मैं बताऊं कि एक राठौर परिवार बिगड़ रहा था, धर्मेंद्र को खाली फोन किया कि इसका कुछ मदद कर देना, इस बच्चे ने इतनी मदद की थी हरदा में, मैं तो गया नहीं हूं कभी, मगर केवल टेलीफोन पे इतनी मदद की थी। तो ये जो जहां है वहां सब अपना काम कर रहे हैं, पवन जी गुना में, हर जगह जो जहां है इस कदर काम कर रहे हैं। एक सोसाइटी बनाई है भजन सेठ के निर्देशन में, वो लोन देती है राठौरों को, तो समाज का विकास जरूर होगा। और आप लोग इसके लिए बहुत प्रयास करें, और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कुछ फंड महासभा के पास है तो राठौड़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मैं महासभा की ओर से 5,000 रुपए की धनराशि भेंट करता हूं, ताकि वो अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह अंजाम दे सके और समस्त प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं को ऐसी नकेल डाल के रखे कि राठौड़ समाज बहुत आगे बढ़े। जय भारत, जय हिंद, जय श्री।